कोरोना के चलते ऑक्सीजन की कमी के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयास कोटा समेत समूची हाड़ौती के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। बिरला की कोशिशों के चलते राजस्थान को आवंटित कोटे के अतिरिक्त 28 मैट्रिक टन ऑक्सीजन और मिल गई है। ऑक्सीजन लेकर जामनगर से एक टैंकर गुरुवार शाम कोटा पहुंचा, तो वहीं राजस्थान की पहली ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन भी 40 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर शुक्रवार सुबह कोटा पहुंची। कोटा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक के संस्थापक सदस्य दीपक राजवंशी ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी का कोटा संभाग के सभी अस्पताल सामना कर रहे हैं। हालात ये है कि ऑक्सीजन नहीं होने के चलते बेड होने पर भी अस्पताल प्रशासन को मरीजों को भर्ती करने से इनकार करना पड़ रहा था। बिरला ने इस संबंध में जामनगर रिफाइनरी के उच्च पदस्थ अधिकारियों से लगातार चर्चा की और इसका लाभ ये मिला कि एक तरफ कोटा और बूंदी के अस्पतालों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य को आवंटित कोटे के अतिरिक्त 28 मैट्रिक टन ऑक्सीजन से भरा एक टैंक कोटा पहुंचा है। कोटा पहुंचे टैंकर को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित टैंक में खाली किया गया। इसके बाद अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता हो गई है। इसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी मरीज को भर्ती करने से इनकार नहीं किया जाए। वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों को भर्ती कर समुचित उपचार मुहैया कराया जाए। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन में 3 टैंकर्स में 40 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का परिवहन सावधानी के साथ किया गया है। रोल ऑन रोल ऑफ यानी रो रो पद्धति से परिवहन किया गया। इसे सीधे टैंकर्स को रेलवे की बॉगी पर लोड कर दिया जाता है। यह डोर टू डोर सेवा होती है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगभग 900 किलोमीटर का सफर तय कर शुक्रवार को कोटा पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज।